हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शर्मा आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज दामा। और आज के एपिसोड में देखने को मिलता है कि मालिनी और अनु दोनों ही उस साड़ी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देव की गाड़ी आती है और वो उन्हें देख लेता है। इसी डर के मारे मालिनी और अनु उसको आधी अधूरी जलाई हुई साड़ी को वापस बुझाते हैं और अनु अपनी गाड़ी में छुपा देती है, लेकिन उसका आधा पल्लू गाड़ी के बाहर ही लटका रह जाता है। तो वहीं पर ये साड़ी ही बनने वाली है बहुत बड़ा सबूत, जो कि मालिनी के सारे काले चिट्ठे खोल देगा। और वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि देव को मालिनी अंदर लेकर जाती है और इमली को समझाने की कोशिश करती है और वो कह देती कि हमने जाने का फैसला कर लिया, लेकिन आदित्य वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन इमली अब यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी है। आदित्य भी इमली को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन इमली कह देती है कि तो क्या आपको मालिनी दीदी में हम नजर आ गए थे, और वो उस बात को सुनने को तैयार ही नहीं होती है और सब घर वालों के सामने आकर अपना फैसला सुना देती कि वो यहाँ से जा रही है। तभी वहाँ पर अपना और ताई जी दोनों ही उसको गहने देकर अपना एहसान चुकाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। पंकज उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसी को उस पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इमली वापस वो गहने दे देती है और कह देती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और इमली यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी है। आदित्य बार बार समझाने की कोशिश करता है, ये कह देता है कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और उसके बाद वो अपने जेल जाने का भी फैसला कर लेता है और कह देता है कि हम ही पुलिस को कॉल करते हैं और हम ही गुनहगार हैं, तो हमें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। और मालिनी का पासा पलट चुका है और अनु के होश उड़ जाते हैं कि ये तो अब आदित्य तो अब जेल जाने को भी तैयार है। और अनु धमकी भी देती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ा तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। तो कहता है कि ठीक है, जेल जाना ही मंजूर है अब हमें। और वहाँ पर मालिनी तमाशा शुरू कर देती है और प्रणा को कहती है, पूरे आदित्य को समझाती है कि अब हमारे इस रिश्ते को क्या तुम पब्लिक ले आओगे और मुझे फिर लोग किस निगाह से देखेंगे, और बुरी तरह से रोने लग जाती है। इमली को सब तमाशा समझ आ रहा होता है, लेकिन अब वो यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन शो में अभी ट्विस्ट है बाकी, क्योंकि केसी यहाँ पर इमली को लेकर वापस आएगा और कानूनी नोटिस दिखाएगा, जिससे कि मालिनी के होश उड़ जाएंगे। अब कुणाल ही दिखाएगा अब रास्ता इमली को, और वो इमली अब अपने हक के लिए लड़ती नजर आएगी। यहाँ तक कि देव भी और आदित्य सभी लोग उसके साथ देने वाले हैं और अपना हक मांगने के लिए धमाकेदार एंट्री लेने वाले हैं इमली कुणाल के साथ में त्रिपाठी निवास में। तो दोस्तों, देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मालिनी को ये कोर्ट का नोटिस कितना भारी पड़ता है। आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होगा, जहां पर कुणाल की एंट्री पूरा पासा ही पलट देगी और इमली को हक दिलाने के लिए मालिनी और अनु के खिलाफ इमली के साथ देते नजर आएगी।